वेलकम बैक अनदर बहुत ही ब्यूटीफुल सा वीडियो और रेमेडी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। छोटी उम्र में जिन बच्चों के जल्दी से बाल सफेद हो जाते हैं, डाइट का भी पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर आप अपने स्कैल्प को और अपने बालों में ये चीज लगाते हैं तो देखिएगा बाल दिन ब दिन किस तरह से ब्लैक होते जाएंगे। और ये रेमेडी जो है आपके बालों को, आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त रखने में बहुत मदद करती है। जिन मेरे दोस्तों को गंजेपन की समस्या आ गई है, यहाँ से बाल बिल्कुल ही सफा चट हो गए हैं, तो वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो फटाफट से देख लेते हैं ये वीडियो। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए आपने सब्सक्राइब और घंटी पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है ताकि नेक्स्ट अपडेट आपके फोन पे जल्दी से पहुंच पाए। तो मिलते हैं, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं DIY, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, बालों को काला करने के लिए जो आज की रेमेडी के अंदर मैं यूज करने वाली हूँ, तो सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं एलोवेरा का पाउडर। दोस्तों, एलोवेरा लीफ पाउडर जो आपको ऑनलाइन वेबसाइट से भी मिल जाएगा, आप इसे खरीद सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि घर पे बना सकते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट है, मुझे घर पे बनाना नहीं आता, इसको मैंने ऑनलाइन खरीदा है। तो एक चम्मच एलोवेरा पाउडर मैं इस कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ। लोहे का बर्तन भी ले सकते हैं क्योंकि हमने इसको रोस्ट नहीं करना है, जस्ट इसका इस्तेमाल करना है। और अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ एक चम्मच नीम पाउडर। नीम पाउडर दोस्तों हम घर पे भी बना सकते हैं, तो मेरे पास, मैंने ऑनलाइन ही काफी नेचुरल चीजों को खरीदा हुआ है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये है एक चम्मच नीम का पाउडर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं दोस्तों इसके अंदर डालने वाली हूँ एक चम्मच हीना मेहंदी। आपने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से इसको यूज करना है। आपने इसे अपने बालों की रूट्स में लगाना है, जड़ों में अप्लाई करना है, बाहर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमें अपने बालों को जड़ से काला करना है। बाहर से अगर बाल काला करना चाहते हैं तो क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ले लीजिएगा। मैं इसे अपने बालों के रूट्स में ज्यादा अप्लाई करना पसंद करूंगी और गर्म पानी डाल के मैं इसको अच्छी तरह से घुमा लूंगी, मिक्स कर लूंगी। इस मेहंदी को लगाने के साथ साथ दोस्तों आपने लगातार 1 से 3 महीने तक नेचुरल शोर का जोंक तेल यूज़ करना है। ये लीच ऑयल जो है दोस्तों आपके बालों में प्रिवेंट करता है हेयर लॉस को, नरेश करता है बालों को, स्कैल्प प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, बालों को प्रमोट करता है, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, फाइट करता है डैंड्रफ से, फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में बहुत मदद करता है। मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं ना कि हर्बल प्रोडक्ट कौन से होते हैं, हर्बल तेल कौन सा होता है, तो ये है नेचुरल शोर का हर्बल तेल। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करके देखिएगा, गंजापन है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बालों को अगर हमेशा यंग रखना है, काले रखना है, तो इसका इस्तेमाल मेहंदी के साथ साथ ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपने रात को सोने से पहले इस तेल की मसाज अपने बालों में करनी है। फिंगर टिप्स की मदद से 15 मिनट तक बालों में मसाज कीजिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, बालों में बहुत अच्छा ग्रोथ एंड दिमाग को बहुत अच्छी शांति मिलती है। अगर आप इस तेल को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बार में मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे खरीद सकते हैं। और वैसे भी ये ऑनलाइन और बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी इसको खरीद सकते हैं। तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, जिन लोगों को हेयर फॉल, डैंड्रफ और गंजेपन की प्रॉब्लम है, ये एक ऐसा तेल है जो नेचुरल तरीके से ही आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ इतनी सारी रेमेडीज इसलिए शेयर करती हूँ ताकि जो चीज़ें मैं रेमेडी के अंदर इस्तेमाल करती हूँ, मेहंदी के अंदर इस्तेमाल करती हूँ, जो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएं, आप उनमें से वही रेमेडी जो है, वही मेहंदी जो है वो बनाइए। अगर आज की मेहंदी के इंग्रेडिएंट आपके पास अवेलेबल हैं तो आप उनका इस्तेमाल करके मेहंदी बनाइए। आप किसी भी एक रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए, देखिएगा बाल कितने नेचुरल तरीके से काले हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ में बालों की चम्पी ज़रूरी होती है, तो बालों के साथ साथ चम्पी करते जरूर रहिए। इस मेहंदी को आपने 1 घंटे तक अपने बालों में अप्लाई करना है, उसके बाद बालों को शैम्पू से वॉश कर लीजिएगा, दिखेगा कितने अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। कम से कम 1 से 3 महीने तक इसका इस्तेमाल कीजिए। सो गाइज, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या फिर कुछ सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं, आपको उनके जवाब चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब मिलूंगी एक अच्छे से वीडियो के साथ और अच्छे से नेचुरल DIY के साथ जो आपके लिए स्वस्थ हो। मिलती हूँ अब नए वीडियो में दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।